बिहार में 50 से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को परफॉर्मेंस और व्यवहार पर अब ध्यान देना होगा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे देखने के लिए समिति बना दी है। इस समिति के अनुशंसा पर जून से जबरन रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। गृह विभाग से शुरुआत के बाद अब अन्य विभागों में भी अगले महीने समिति बनने लगेगी। फिलहाल गृह विभाग के तहत काम करने वाले अफसरों से लेकर पुलिस के सिपाही तक के लिए आदेश आ चुका है। 23 जुलाई 2020 को बिहार सरकार ने इस निर्णय का संकल्प पत्र जारी किया था। अब इसे एक एक कर लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने बिहार में राज किया है उनको भी इस बात का मालूम है, राजनीतिक मुद्दे तय कर रहे हैं। बिहार सर्विस कोड का क्लाउज 74A के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति का अधिकार है, तो वो कानून तो हमने नहीं बनाया है। और साथ ही साथ इस संबंध में 2020 में संकल्प भी निकाला जा चुका है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कार्य दक्षता अथवा आचार एवं जिनको सेवा बनाए रखना लोक हित में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उस पर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा कमिटीज के निर्माण हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि नौकरी से निकाल देने की बात कोई कही जा रही है, बल्कि बिहार सर्विस कोड के प्रावधान को लागू करने की बात की जा रही है। ये तो कार्यपालिका को सक्षम अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जबरन रिटायरमेंट आपको नहीं लगता है ये तुगलकी फरमान है सरकार का? भाई ये आज का है बिहार सर्विस कोड 74A, वह कहता है कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति किए जाने की अनुशंसा करने हेतु। इसका मतलब कि ये पहले से ये कानून बना हुआ है, तो एक कमेटी यह बनाई गई है और उसमें सारी बातों को, ऐसा थोड़े कि उस पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा। बिहार में गृह विभाग 50 साल से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा करेगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया जाएगा। हर साल जून और दिसंबर में मिले आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा। इसमें 50 साल से अधिक के कर्मियों की कार्य दक्षता के अनुसार आगे कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी, साथ ही जरूरत होने पर रिटायरमेंट भी दिया जाएगा। वही राजद ने कहा है ये उस राज्य का तुगलकी फरमान है जहां एक बड़ी आबादी 40 से 45 साल की उम्र में एक अदद नौकरी के लिए तरह जाती है। अगर बिहार सरकार का यही पैमाना है, जो अक्षम है उनको जबरन नौकरी से हटा दिया जाएगा, एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है और जो रोजगार है उसको भी छीन रही है। तो अगर अक्षम पैमाना है तो सबसे पहले तो सरकार में बैठे लोग जो अक्षम हैं, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हीं को हट जाना चाहिए। सबके लिए एक ही नियम हो सकता है ना, क्योंकि 50 साल से आप 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को मान रहे हैं अक्षम है, काम नहीं कर सकते, तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले? ये भी वहाँ भी नियम लागू होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़ना चाहिए, डिप्टी सीएम भी है। इसलिए ये पैमाना सरकार का हास्यास्पद है और सरकार जिस तरह से 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को अक्षम मान करके रोजगार से वंचित कर देगी, ये तुगलकी फरमान सरकार का कागजी निकालते जा रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कागज रखा कर रखा रह जाएगा। इसलिए सरकार को अविलंब इसको वापस लेना चाहिए।